अस्सलाम वालेकुम, क्लिफ्टन स्टूडियो की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की असामियों की तफसील लेके आए हैं, जिनके अप्लाई करने के लास्ट डेट 25 सितंबर है। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपको तलीम चाहिए वो बेचलर है, यानी आपकी 14 साल की तलीम जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। तो अगर आप असामियों के बारे में मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं मल्टीपल हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो वीकेंट पोजीशन है, जो वैकेंसी अवेलेबल है, वो असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल और एरोस्पेस है, ठीक है। और आपका जो इसमें आपका स्केल होगा, पे स्केल, वो BPS 17 होगा। और जो वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, इसमें आपकी मंथली पेमेंट तनख्वाह जो वो 1,30,000 होगी। और इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए है वो आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड, यानी BSc मैकेनिकल या BSc एरोस्पेस होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों को जो वो प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों का जो अप्लाई होगा, आप लोग अगर सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होने के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी तमाम डॉक्यूमेंट की जो वो वेरीफिकेशन की जाएगी, ठीक है। और आपकी जॉब मिलने के बाद आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो उम्र की हद है वो 18 से 35 साल है। इसके अलावा जो इसके अप्लाई करने का तरीका कार है, वो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट का लिंक आप लोग सामने वीडियो में भी देख रहे हैं। इसके अलावा ये लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाएँ, वहाँ से लिंक को ओपन करें और इसके जॉब का जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी सारी तफसील समझ आ चुकी होगी। और जो डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से भी आप लोग सारी डिटेल रिपोर्ट अच्छे से रीड कर सकते हैं। शुक्रिया।